हापुड़ में श्री रामलीला समिति के तत्वावधान में रामलीला महोत्सव का मंगलवार को आगाज हुआ। हापुड़ की दिल्ली रोड पर स्थित रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में राम भक्त रामलीला देखने के लिए पहुंचते हैं। ये आने वाले लोग और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, मौत का कुआं, सर्कस आदि का आयोजन किया जाता है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। बता दें कि समिति के प्रधान रविंद्र गुप्ता का कहना है कि श्री रामलीला का मंचन इस बार बेहद भव्य तरीके से किया जाएगा। रामलीला मंचन को और भव्य बनाने के लिए विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक, धार्मिक और देशभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अनुमान है कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे, जिसके चलते चाट पकौड़े, निशानेबाजी, झूलों आदि की व्यवस्था की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि रामलीला ग्राउंड के गेट नंबर 1 से घुसते ही दाएं हाथ पर एक गहरी नाली पर यदि संबंधित विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो इसमें गिरकर कई लोग चोटिल हो सकते हैं।